अपनी जिंदगी में तुझे से छोड़ रही हूँ, जा तुझे कहाँ जाना है वहाँ तुझे, लेकिन जब भूख लगेगी ना तो मर मर के मेरे पास ही आने वाला है। कोई इसको हैंडल नहीं कर सकता है। मैं सब्सक्राइब मैं दिख भी नहीं रही इसमें चुड़ैल कहीं का। चल Hey guys, welcome back to Venice Vlogs. Abhishek here with you, और ये है स्वागता। सो अभी जिस जगह पे हम आए हैं उसका नाम है सिटी वॉक दुबई, और ये जगह नई नहीं है लेकिन हमारे लिए नहीं है क्योंकि हम यहाँ फर्स्ट टाइम आए हुए हैं। फर्स्ट टाइम आए और ब्लॉग करना भूल गए, इधर उधर देखने में ही बिजी हो गए। मैंने इसको बताया अरे हम लोग ब्लॉग के लिए आए, ब्लॉग चालू कर तो सब कला हो जाएगा एक्टिविटीज, क्योंकि ये ऐसी जगह है यहाँ पे बहुत सारे एक्टिविटीज है जैसा कि उसने कहा। और हम यहाँ आए हैं क्योंकि नेशनल डे है, और नेशनल डे के बदौलत और भी ज़्यादा एक्टिविटीज़ यहाँ पे हो रही है, तो हम जरा आजू बाजू में देखते हैं। Actually, और ऐसे ना हमेशा ही हैपनिंग होता है। यस, इट्स अ वेरी फेमस प्लेस इन दुबई, और यहाँ पे खलीफा और यहाँ पे बहुत सारी सेलिब्रिटीज भी आते हैं। तो इसने यहाँ पे सेन को देखा था मैंने। हाँ, सुष्मिता सेन को इंस्टाग्राम पे देखा था इसने, टाइम आते थे ना। राइट, तो अभी फिलहाल हम एक वॉक ले रहे हैं क्योंकि इसका नाम जगह का नाम ही सिटी वॉक है। सिटी वॉक है, और देखते हैं कि यहाँ पे और क्या क्या इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज हो रहे हैं जो कि नेशनल डे के यू नो क्या बोलते हैं उसको रिलेटेड है। पूरा नेशनल डे का वाइब लग रहा है, लेकिन मुझे उसके मतलब भूख भी लग रही है। आजू बाजू इतने अमेजिंग रेस्टोरेंट है ना, तो हम लोग उधर जाके खाना भी खाने वाले है ना। बराबर, बहुत जल्दी क्योंकि मुझे भी बहुत भूख लग रही है अभी। इसलिए मैं क्या करती हूँ पता, जब हम लोग बाहर निकलते हैं ना तभी इसको मैं खाने ही नहीं देती हूँ, क्योंकि बाहर निकलते वक्त इसको भूख लगती है। आप भी ऐसे ही करो अपने पतियों के साथ, कुछ मत दो और बाहर जाके मस्त खाना खाओ तो अच्छा है ना। बाय द वे, आपको पता हम लोग ना लास्ट मिनट पे ना बैंकॉक और कंबोडिया का प्लान करने वाले थे, और एमिरेट्स की फ्लाइट भी पूरी खाली थी, लेकिन फ्लॉप हो गया क्योंकि हमने होटल बुक नहीं किया था। क्योंकि ये मुझे बोल रहे हाफ एन आवर में तो बैग पैक कर और फटाक से चल, ये ऐसा हो सकता है। ठीक है, प्रॉब्लम नहीं, लेकिन दिसंबर में हमने एक लॉन्ग लीव लिया है तो उसमें कुछ बहुत इंटरेस्टिंग प्लान करने वाले हैं। और अभी फिलहाल जाने वाले और एक कंट्री मार्क होने वाली है। ऐसा लग रहा है रियल डेजर्ट में फोटो खींचवाया है। वही तो थीम है उनका नेशनल डे का। ये हैशटैग क्या है अगर आपको समझा तो हमें भी बताओ। ये अरेबिक में लिखा हुआ है लेकिन आप इंस्टाग्राम पे ऐसे हैशटैग कर सकते हो इसको। ओ गॉड, कब से अपनी फोटो देख रहा है यार, क्या टाइम पास कर रहा है, चलना। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इंस्टाग्राम पे ये डालूं। अभी मैंने 10-15 इसके फोटो निकाले और ये खुद का ही फोटो देख रहा है। पहले मैं इसे करती थी तो मुझे चिल्लाता था, अभी ये टाइम वेस्ट कर रहा है। जब से मैं इंस्टाग्राम यूज कर रहा हूँ जब से मुझे यू नो मैं फोटोजेनिक हो गया। हाँ क्या, बाय द वे इंस्टाग्राम सिखाया किसने? अच्छा चल बता क्या इंस्टाग्राम में क्या इतना मैंने सिखाया। चुप बैठ, इंस्टाग्राम तेरे। अच्छा मेरे को एक बात बता कि ये अच्छा है, कुछ भी डाल मुझे पका मत प्लीज। अभी चल, अभी ब्लॉग। हाँ क्या, खुद की तारीफ खुद के मुँह से ये अच्छा नहीं लगता है। अभी व्लॉग का क्या करना है कि नहीं, कि क्या ऐसे ही रखना है व्लॉग? ओके, पर तू अभी व्लॉग करना है कि नहीं, घर पे जाना है? नहीं, व्लॉग करना है, कंप्लीट करना है। हाँ तो ये तो बंद करेगा तभी व्लॉग खत्म हो जाएगा ना, पागल है। वाव, तो यहाँ से आपको बुर्ज खलीफा का पूरा नजारा दिख रहा है। आई विश हम लोग 31 को यहाँ पे आए और यहाँ से पूरा व्यू दिख जाएगा, लेकिन तभी ये प्लेस बहुत क्राउड रहेगी। और ये व्लॉग ना आज मैं ही कर रहे जा रही है, बट टाइम पास ही कर रहा है यार, चल ना कुछ तो कर ना। चल अभी भूख लगी मेरे को, कुछ तो व्लॉग कर। एक काम कर, मेरा और 10-12 फोटो निकाल। हार्ड हार्ड टिकट चले।
तो ये रहा हमारा सिटी वॉक का टूर। अगर आपको अच्छा लगा तो आप अपने फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ और किड्स के साथ आ सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे एक्टिविटीज हैं। और हाँ, वन मोर थिंग, यहाँ पे आउटडोर पार्किंग है और वो फ्री है। That is the main thing. दुबई में ऐसे प्रेस्टीजियस जगह पे अगर आपको पार्किंग फ्री मिल रहा है तो एक बहुत बड़ी बात है दुबई में। तो अभी घूम घूम के इधर उधर देख देख और इसके फोटो निकाल निकाल के मुझे अभी बहुत भूख लगी है। और तो अभी मुझे खाने लेके जाना है और मुझे पता नहीं कहाँ लेके जाना, लेकिन मुझे और 10-12 फोटोज निकालने हैं। पहले तू फोटो के लिए रोती थी, अभी मैं फोटो के लिए रो रहा हूँ। अरे बस में बैठना है, लंदन की बस है। और अंदर सीट, जाके बैठने का, जा 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 आत्मा, जा तू जा। देखो मैंने पूछा कि वो बस में बैठने का पैसा कितना बताया, वो क्या बोल रही है, कितना था? 10 मिनट का 50 दिरहम। मींस यहाँ पे फ्री पार्किंग करो और पूरा पैसा बर्बाद करो, मतलब पार्किंग का पूरा पैसा वो बस राइड में ही चला जाता। और मैं भी आ सकता था क्या वो बस में? तू आएगा तो बस पूरी क्रैश हो जाएगी। तो चलो यार, अभी बहुत भूख लगी है, घूम घूम के। मुझे तो कब की लगी है। मंडी खाना है, अरेबिक डिश खाना है। मंडी नहीं, मैं अभी कार्ब्स नहीं खाता, मैंने कार्ब्स कट डाउन किए हुए हैं। तो क्या खाना है फिर? अभी इसका ना बहुत नाटक चल रहा है, क्योंकि अभी दुबई मसल शो आ रहा है ना 7 और 8 दिसंबर से, वहाँ पे उसके जय कटलर, पता नहीं कौन कौन आने वाले हैं। और मुझे जय कटलर को इम्प्रेस करना है उधर, जैसे देखो वो भाव देने वाला है। चल मैं तुझे ये लगा, नहीं यार जय कटलर एक्चुअली जय कटलर को नहीं, किसी और एक्चुअली इसको ना जय कटलर को इम्प्रेस करे, इसलिए इसका बहुत नाटक चल रहा है। तू उसके साथ एक सेल्फी लेके बता बस। सेल्फी लेके बता मतलब कि उसके साथ पूरा वीडियो करने वाला हूं। हां क्या बोल, जैसे कि तुझे भाव देने वाला है 15 मिनट का, भाव देने वाला। मैं उसको भाव नहीं देने वाला हूं। तू देख। और सीक्रेट की बात ये है ना कि एक्चुअली जय कटलर को नहीं, किसी और को इम्प्रेस करना है, ये उसको पता नहीं है। जा 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 सिमरन जा, मैंने छोड़ दिया। जा अभिषेक, जी ले अपनी जिंदगी, मैं तुझे आज से छोड़ रही हूँ। जा, तुझे कहाँ जाना है वहाँ तू जा। लेकिन जब भूख लगेगी ना तो मर मर के मेरे पास ही आने वाला है। कोई इसको हैंडल नहीं कर सकता। मैं अगर आपको ऐसे हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो करो ही करो, क्योंकि इसके आगे के ब्लॉग बहुत अच्छे माने, क्योंकि जल्दी हम अपनी ट्रिप प्लान। इसके पहले के भी बहुत सारे ब्लॉग अच्छे थे। हाँ, अच्छे थे। यूएस, ताइवान और क्या क्या चाहिए है, और क्या चाहिए, और बाली, फुकेट, दुबई, सब तो घुमा रहे। लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता है यार, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो करो, नहीं तो ये ना आगे फाइट मारेगा। और आजकल इसको पग की बहुत याद आ रही है। अभी डॉग का ये क्या देखा पता नहीं इसने, इसमें किधर पग है। इन सब में से उसने पग ही ढूंढ के निकाला है। मस्त है ना पग? कितने का है वो? 30 दिरहम। मेरा पसी मेरे को बोलेगा तू ये 30 दिरहम इसका परमा मत कर, मेरे लिए कुछ तो पेडिग्री लेके आ। पता नहीं क्या बोल रही हो, अभी मुझे पक रहा है क्योंकि मुझे भूख लग रही है। यस, इसलिए मेरा सर खा रही है और मुझे भी भूख लग रही है, अभी जल्दी चल। तो दोस्तों अभी अगर आप खाना खाने आ रहे हो हमारे साथ तो चलो, नहीं तो अब तक जितना वीडियो था उसके अगर आपको 10% भी अगर अच्छा लगा रहेगा तो आप लाइक सब्सक्राइब शेयर मत करो, करना मत भूलो। पता चल रहा है इसको भूख लगी है, क्योंकि ऐसे कुछ भी पागल से बातें करते ना तो इसका आधा दिमाग उधर ही होता है। तो चलो अभी हम पटक से खाना खाने जाते हैं। अभी जितनी फेमस ये जगह है ना उतनी अच्छी गाड़ी आपको दिखेगी, जैसे कि फर्स्ट कार रोल्स रॉयस। दिस इज माय फेवरेट। हम एक बार काम करेंगे, ऐसी गाड़ी रेंट पे ले सकते हैं ना एक दिन के लिए, ले लेंगे फेरारी ले लेंगे। ये है दुबई के शेख का बेटा, शेख हमदान, बहुत एक्टिव रहता है इंस्टाग्राम में, राइट? इंस्टाग्राम में। या ये कौन सी है? ये तो निसान की है, लेकिन आगे की कार ये निसान मैक्सिमा फेरारी। ये सऊदी अरब से आई है दुबई। सो आप में से जिस किसी को फेरारी अच्छी लगती है वो सब ये वीडियो को लाइक ठोको। नहीं, अगर आप किसी को सुपर कार्स वो सब देखने हैं तो हम जल्दी एक वीडियो बनाने वाले सुपर कार्स के ऊपर। तब तक के लिए फेरारी देखो। देखो पता है अबू धाबी में अभी टैक्सी शुरू हो गई है फेरारी, लंबोर्गिनी, सुपर कार्स, उधर जाते हैं। तुझे कैसे बताया तुम? मुझे पता है, मैंने देखता है इंस्टाग्राम फॉलो करता हूँ वीडियो। डैम,
ये वही कार है जो हमने शुरू में देखी थी ना। Oh my God! Look at the beach. It's amazing, no? ये बस दुबई में ही पॉसिबल है, राइट? स्वागत है फेवरेट रेस्टोरेंट में। मुझे ये रेस्टोरेंट में जाते तो मुझे यूएसए नहीं याद है, मुझे पता नहीं क्यों। हाय, चलो ऑर्डर कर, कुछ तो भूख लगी है बहुत। मेनू इतना बड़ा है ना इनका। स्वागत है, हैप्पी। यार कौन से भी होटल में जाओ लेकिन वहाँ पे कुछ भी कॉम्प्लीमेंट्री मिलता ना मुझे बहुत खुशी है। अरे क्या कॉम्प्लीमेंट्री, इतना पैसा लेते हो तो इतना सा तो कॉम्प्लीमेंट्री बनता है। कॉम्प्लीमेंट क्या दिया है? पापड़ दिए हैं। पापड़ नहीं, नाचोस विद टोमेटो सॉस। तेरा फेवरेट ना। थैंक यू। एकदम टेम्प्ट लग रहा है ना। वाओ, ये फूड देख के तो एकदम टाइम हो रहा है। अभी मैं काम करता हूं। क्या? दो टेस्ट करके रिव्यू देता हूं। हां ठीक है, तो पहले मैं मेरा डिश टेस्ट करता हूं। ओके। अरे मुझे फोटो निकल रहा है, वेट। तो फाइनली भी मेरा Instagram पोस्ट हो गया है। हां चालू किया है, बोलो अभी। चलो अभी मैं डिश का रिव्यू देता हूं जैसे कि मैंने। जल्दी कर, मुझे देख के भूख लगी है। कैसा है? Exactly how I want. ये इनका चिकन बहुत अच्छा होता है, एकदम टेंडर होता है ना, सॉफ्ट भी होता है। हमारे घर में क्यों नहीं बनता ऐसा है? उसका सिग्नेचर रेसिपी, इसलिए तो लोग यहाँ पे आते खाने के लिए। ये तो टोमेटो है और ये तेरा नैचोस का पीसेस है, इस पे राइस है और ये है तेरा राजमा। मेरा राजमा? मैं कब से राजमा उगाने लगी? ये ऐसे ही होता ज़्यादा फटाफट खाने से। अभी मेरा डिश का रिव्यू तू देने वाले कि मैं देने वाली हूँ? मैं ही देता हूँ। खलास मत कर सब रिव्यू दे दे के। तेरे इधर भी नैचोस है, कॉर्न भी है, एवोकाडो। मैक्सिकन थीम है ना इनका। यस, थैंक यू। कैसा? अच्छा है। अमेजिंग। अभी चिकन का पीसेस किधर है? आई थिंक नीचे है। हाँ ये देख, तो चिकन का भी पीसेस ट्राई करता। सब खलास कर देगा अभी मेरा ये। तो अभी खाने पे टूट पड़े, टेस्ट करते करते खत्म हो जाएगा, तू जल्दी से खा। यस, लेट्स टेस्ट इट। स्वागत है, ठंडी लग रही है? बहुत ठंडी लग रही है। अभी तो ठंडी शुरू भी नहीं हुई है। ठंडी शुरू हो गई, मेरे लिए बहुत ठंडी। और पता है लोगों को दारू पी के चढ़ गया और मुझे खाना खा के चढ़ गई है। खाना खा के दारू पी के चले गए, चले गए, चले गए। चल अभी ये जग्गा जासूस का गाना है।